तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो के साथ कंस्ट्रक्शन सिम्युलेटर 2014 में स्वागत है। तो गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा कि गाइस जितने भी सन हिल वार अपने जो प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर हाउसेस बना दिए थे और अपने पास अभी जो बैलेंस है गाइस 12,15,911 कॉलोन का है और इतने में तो गाइस काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज अपने खरीद पाएंगे। तो चल रहे बिल्डर प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे देखे तो सन हिल वाली प्रॉपर्टी, लिटिल मेडो वाली प्रॉपर्टी और भाई यहाँ पे जो ट्रेन ट्रैक पे जो था इंडस्ट्रियल हॉल उसको बनाने का वो भी बना दिया है। बाकी गाइस अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज बची हुई है बनाने के लिए, तो मैं देखता हूँ गाइस कौन सी अच्छी है और कौन से अपने बनाएंगे। वैसे गाइस मेरे को तो गाइस ये अच्छा लग रहा है गाइस, ईस्ट एंड वाली प्रॉपर्टी है जिसमें 3 प्रॉपर्टी और 6 लाख कॉलन देने अपने को, तो गाइस मैं इसको खरीद ही लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे खरीद लिए तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टीज है उसको, बाकी इसके ऊपर अपने 4 टाइप की जो बिल्डिंग्स होती है उसको बना सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी बन सकती है इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पे जो पहले वाली 4 टाइप की थी गाइस वही बन सकती है, जिसमें से एक ये दूसरी है तीसरी और चौथी है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ 1 फैमिली हाउस को ये वाली जो है प्रॉपर्टी इसको मैं बनाऊँ और इसका जो कलर है गाइस मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसा रखता हूँ। बाकी अलग अलग कलर में बनाएंगे। बाकी अपने को 12 काम करने हैं और अपने को 4,84,600 कॉलन। और भाई यहाँ पे काम देख लो कितने ज़्यादा है, जिसमें रोलिंग का काम है, कास्ट फाउंडेशन का काम है, वॉल को सेट करना है, फिर सीलिंग का काम है, फिर से वॉल को सेट करना है, फिर सीलिंग, फिर वॉल को सेट करना है, फिर गाइस जो गैराज है उसके लिए गड्ढा करना है एक्सकोवेटर से, फिर कास्ट फाउंडेशन करना है गैराज के लिए और गैराज को सेट करना है, और जो रूफ़ है उसके ऊपर गाइस यहाँ पे ट्रस यानी कि जो ऊपर यानी कि जो होते हैं ना गाइस टाइल्स लगाने दे जिसके ऊपर वो होता है शायद तक, और फिर जो है टाइल्स उसको लेके आनी है रूफ़ के लिए। तो गाइस यहाँ पे अपने इसको करने वाले हैं और तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टीज है उसको अपने आज ही बनाने वाले हैं। तो मैं इसको प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करता हूँ। गाइस यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको तो अभी अपने ले लिया और स्टार्ट भी हो चुका है। बाकी गाइस यहाँ पे जो तीनों के तीनों प्रॉपर्टी एक ही साथ में, तो गाइस अपने काम करने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि फिर से मशीन को ले जाओ यहाँ से वहाँ, एक ही जगह तो एक जगह पे रखेंगे तो भी ज़्यादा काम हो जाने वाला है। बाकी सबसे पहला जो काम है रोलर का है तो उसको मैं पहुँचाता हूँ बंदे के थ्रू कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो भाई बंदे को तो 1500 कॉलन देके भाई यहाँ पे पहुँचा दिया गया इस जो रोलर है उसको। बाकी गाइस ये प्रॉपर्टी उसके पीछे वाला जो हाउस है वो और इसके बाजू वाला शायद देखिए 3 ही प्रॉपर्टी अपनी है और भाई यहाँ पर इनको बनाने वाले हैं। तो गाइस मैं जो भी यहाँ पर बनाऊँ 1 फैमिली हाउस जो गैराज वाला है उसको ही तीनों में बनाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ये क्या नहीं होता है तो गाइस एकदम सोसाइटी एक जैसी लगती है, इसीलिए उसको बनाने वाला हूँ। बाकी जो काम है उसको मैं शुरू करता हूँ और वही यहाँ पे जो काम था गाइस रोलिंग का उसको भी अपने कर दिया है। बाकी गाइस मैं इसको थोड़ा यहाँ पे आगे रखता हूँ क्योंकि गाइस इसका काम अभी यहाँ पे भी होने वाला है इसीलिए। और बाकी कास्ट फाउंडेशन का काम करना है जिसमें गाइस कॉन्क्रीट मिक्सर और कॉन्क्रीट पंप दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कॉन्क्रीट मिक्सर में कॉन्क्रीट नहीं होगा तो उसको मैं बंदे के थ्रू बनाने भेज देता हूँ, बाकी दोनों मशीन को फटाफट यहाँ पे सेट करता हूँ। तो भाई यहाँ पे दोनों के दोनों जो मशीन है उसको सेट कर लिया है, बाकी गाइस जो अपना काम है उसको मैं फटाफट करता हूँ। और भाई यहाँ पे कास्ट फाउंडेशन का जो काम था गाइस वो हो चुका है। बाकी गाइस यहाँ पे मैं वॉल लेने के लिए आया था फैक्ट्री वहाँ पे, तो फटाफट इसको भी लेके चलते हैं। और यहाँ पे गाइस जो वॉल सेट करने का काम था वो भी हो चुका है। बाकी फिर से गाइस अपने को कास्ट सीलिंग का काम करना है गाइस, पहले अपने कास्ट फाउंडेशन का काम किया था अब है गाइस कास्ट सीलिंग का काम, तो इसको भी फटाफट करते हैं। और भाई यहाँ पे मैंने 3-4 काम किए जिसमें गए थे यहाँ पे वही काम थे गाइस, रोलिंग का काम पता, उसके बाद यहाँ पे कास्ट फाउंडेशन का काम किया, फिर गाइस यहाँ पे जो वॉल सेट करने के थे गाइस उसको लेकर फैक्ट्री पे से और वॉल सेट की, बाकी गाइस फिर कास्ट सीलिंग का, फिर वॉल सेट की, फिर कास्ट सीलिंग, उसके बाद गाइस आखिर में गाइस ये जो वॉल है गाइस रूफ की उसको मैं लेके आया हूँ गाइस फैक्ट्री पे से, और इसको भी गाइस मैं फटाफट यहाँ पे रखता हूँ क्रेन के थ्रू। और यहाँ पे गाइस जो एक्सकोवेटर है उसका अपने को काम है गाइस यहाँ पे जो गैराज है उसका जो है गाइस नीचे का बेस तैयार करने का थोड़ा बहुत, तो गाइस उसको गड्ढा करना है गाइस एक्सकोवेटर से, तो मैं फटाफट इसका काम को भी निपटाता हूँ और इसको गाइस मैं यहीं पे रखने वाला हूँ, क्योंकि गाइस अभी अपने को 3 और हाउसेज है उसमें भी अपने को काम करने का है इसलिए मैं इसको यहीं पर रहने देने वाला हूँ। और गाइस जो गड्ढा करने का था वो तो भी अपने कर दिया, बाकी गाइस जो बेस का जो कास्ट फाउंडेशन का जो काम है उसको अपने को करने का है, मैं फटाफट इसको भी निपटाता हूँ। यहाँ भी जितना लोड लोडेड ट्रक है गए तो उसको मैं फैक्ट्री पे लेके आ गया था पहले, बाकी गए यहाँ से जो गैराज है फैक्ट्री वाले बंदों ने लोड कर दिया और इसको गए वहाँ पे सही तरीके से रख देता हूँ मैं। और यहाँ पे गए जो अपना काम है गए वो हो चुका है, अपने ने गए यहाँ पे 12 काम के बदले 10 काम ही किए हैं,
जो दो लास्ट वाले काम थे उनको भी अपने छोड़ दिया और अपने को 3,45,800 को लोन मिल चुके हैं, तो ओके करते हैं। और बाकी गाइस यहाँ पे देख लो, ये सब ने एक हाउस बनाया है। बाकी मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे बनाने में गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो गाइस मैं सोचता हूँ अपने गाइस यानी कि हाउस बनाने का काम दे देते, अपने बंदे बना लेंगे, उसमें अपने को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मेरे को नहीं पता है, लेकिन देखते तो चलते बिल्डर प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी जिसमें बिग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें अपने 3 टाइप की प्रॉपर्टी बना सकते हो भाई। यहाँ पे 16 16 14 14 काम के नीचे भाई यहाँ पे कोई भी है ही नहीं। और भाई यहाँ पे यही अपने करेंगे तो ये अपने को यहाँ पे 6 लाख के ऊपर मिल जाएंगे कुलन। गैस मैं सोच रहा हूँ गैस ये वाली जो प्रॉपर्टी अभी इसको गैस मैं कर रहा हूँ यानी कि गैस जो दूसरे बंदे उनके ऊपर देता हूँ और वो करेंगे, तो गैस ये देखते हैं गैस कैसा होता हैगा। और इसके गैस अपने को 4,10,700 कुलन मिलने वाले हैं। गैस जो हाउस है वो पीछे की साइड पे देख लो, वो रही जगह और वहाँ पे काम करना है, लेकिन उसके जितने काम है उसको मैं हायर कर देता हूँ बंदों को, रो कर लेंगे। और भाई यहाँ पे अपना जो काम है हाउस बनाने का वो हो चुका है और 0 पैसे मिले अपने को, 0 गोल्डन मिले। गाइस अपने ने कुछ काम नहीं किया तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो ओके करते हैं। बाकी गाइस ये रहा एक हाउस जो अपने बंदे ने बनाया और आगे वाला वो रहा जो अपने ने बनाया। बाकी गाइस यहाँ पे अपने गाइस हाउस ही बनाने का वैसे गाइस 9 लाख कोलन तो है और इतने में प्रॉपर्टी दूसरी खरीद ही पाएंगे, इसीलिए गाइस मैं ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। बाकी गाइज मैं यहाँ पे वो वाली जो प्रॉपर्टी है उसको देखता हूँ और बिल्डर प्रोजेक्ट में चलता हूँ। गाइज यहाँ पे ये 3 टाइप के जो हाउस है गाइज, यहाँ पे मल्टी फैमिली हाउस बिल्डिंग एक्सटेंशन, तो गाइज मैं सोचता हूँ मल्टी फैमिली हाउस का ये वाला करता हूँ जिसमें गाइज यहाँ पे 6,37,600 कूलन मिल जाएंगे और 14 काम करने के। बाकी देखते हैं क्या क्या काम है। तो गाइज यहाँ पे मल्टी फैमिली हाउस 14 काम करने, और गाइज इसमें से मैं गाइज थोड़े ही काम यानी करने वाला हूँ, बाकी दूसरे बंदे को हायर करके करवा लूँगा। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो करते हैं। और भाई गाइज अपना काम है गाइज वो भी अपना हो चुका है, और इसमें भी गाइज मैंने एक भी काम नहीं किया है गाइज यहाँ पे। गाइज काम गाइज अपने ने पहले किए हो इसीलिए गाइज मन नहीं लगता, पहले भी किए हो इसीलिए बस 0 कोलन अपने को मिले हैं। गाइज देख लो 3 हाउस है थे जिसमें से अपने ने एक हाउस बनाया और 2 गाइज बंदों को हायर करके बनवाए। बाकी देख लो गाइज क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, कलर मैंने यही सेलेक्ट किया था। और बाकी मैं इसको लेके पहुँचता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी पे, और भाई पहुँच चुके अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी पे। बाकी गाइज यहाँ पे जो अपना काम था गाइज वो हो चुका है, तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।